ब्रह्मज्ञानं सुप्रदानहि स्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्यक्तलोकान् भुङ्क्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणो भाष्यान् कामजन्यान् नीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वकृतिं मधुरं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यायं परमं मृतमयं ब्रह्म यत्तं तपोस्मि. किसी को व्याख्या करके आशा छोड़ ये अथर्व वेदीय मंत्र को दर्शन करके जा सकते हैं. कल हमने श्यामल मंत्र का सर भूमिका और हमें इस शांति मंत्रों का संस्कार अब जो है जो भगवान शंकर है तो अपने यहाँ इसके ऊपर कुछ मंगलाचार्य के रूप में भी और किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले आपको ये दिखाना पड़ता है ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है या वो कैसे दिखाते हैं अनुबंध ज्योतिष्ट को सिद्ध करके विषय प्रयोजन अधिकारी और संबंध इसका विषय क्या है. यदि इस विषय के बारे में पहले कथन कर दिया गया तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं. दूसरी बात क्या है इसका इस विषय का प्रयोजन क्या शब्द इसका प्रयोजन क्या शब्द ये मान लीजिए दिखा आवश्यक प्रयोजन ये दिखाना पड़ेगा विषय का इसको बनेगा कौन अधिकारी कौन और उसका संबंध क्या है मंदिर विषय को परिवर्तन करना चाहते हैं इस ग्रंथ के साथ उसका क्या संबंध है अथवा अधिकारी के साथ का क्या संबंध है. इस प्रकार से चार चीज को एक साथ मिलाकर के होता है अनुबंध चतुष्टय. किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले ग्रंथकार को अनुबंध चतुष्टय लिखना होता है क्या इसी के माध्यम से भगवान उसका अनुबंध चतुष्टय को लिखा है. हमारा विषय क्या है उसका प्रयोजन क्या है यदि विषय या प्रयोजन शिफ्ट हो जाएगा तो इस प्रयोजन को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले इसका अधिकारी बन जाएगा और इस पुस्तक उस विषय के साथ जहाँ तक प्रतिपाद्य प्रतिपादन भाव संबंध भी हो जाएगा उस विषय को हम इस पुस्तक में कहना चाहते हैं तो विषय हो गया प्रतिपाद्य और पुस्तक हो गया प्रतिपाद्य इस प्रकार संबंध विषय हो गया. तो यहाँ पे जो कल जिसको पढ़ रहे थे ऊपर वाला पंक्ति में भर के आए थे जो ये ब्रह्म जब तन न तो अस्मि जब ब्रह्म तन्नतोऽस्मि जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ ठीक है ना तन्नतोऽस्मि भगवान नमस्कार करते हैं. अब ये जब जो प्रसिद्धि का द्योतक है और उसको तत्पद के साथ समझ तत्पद के तरह क्या दिखाना चाहते हैं उसका विशेषण है जो अपनी चेतनता रूपी अंग किरणों के द्वारा समस्त सृष्टि को व्याप्त करके समस्त सृष्टि को व्याप्त करके फिर क्या करते हैं पहले जो है कि स्थूल भोग को भुक्ता भोगान अभिष्ठान स्थूल भोग को भोगता है ना कि स्थूल शरीर का सहारा लेकर स्थूल वस्तु को देखते हैं स्थूल वस्तु को भोगता है पैर पहले ये काम करते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं पुनरपि मतलब स्थूल भोग की प्रारब्ध समय समाप्त होने पर स्थूल भोग की प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर सूक्ष्म भोग की प्रसंग आता है ठीक है ना. तो वो क्या करता है कामजन्यान भोगान भुक्ता ठीक है ना. वे बोलते हैं भीषण भाषणा काम जन्य वासना से उत्पन्न हुआ बुद्धि अपने बुद्धि में प्रकाशित हुआ वासना जन्य बुद्धि में प्रकाशित वासना जन्य उस सूक्ष्म भोग को भोग करते. तो पहले में देखिए भोग को वस्तु भी है और वासना भी है और अज्ञान भी है. अज्ञान अज्ञान से वासना वासना से भोग अविद्या काम कर्म कर्म से कर्म फल भोग. पर जो द्वितीय अवस्था में आकर के स्वप्न अवस्था में आकर के वहाँ पे क्या होता है स्थूल शरीर के साथ आपका तादात्म्य छोड़ जाए ये स्थूल शरीर कोई काम नहीं करता. हम एक मनोकल्पित स्थूल शरीर मनोकल्पित इंद्रिय बना करके अपने वासना जन्य विषय को हम भोगते हैं वासना जन्य परंतु इस प्रकार की भोग में आपका कोई धर्म धर्म उत्पन्न नहीं. ये जो पुनर अपने शब्दों के द्वारा बोल रहे हैं कि पहले में तो आपका धर्म धर्म के साथ संबंध होता है परंतु यहाँ पे क्या होता है आप स्वप्न में किसी को कुछ भी कर दो उससे आपका पाप पुण्य नहीं होता है ना. निषिद्ध कर्म करो अथवा सिद्ध परंतु स्वप्न एक हमारे लिए ये माइंड स्टोन है कि हमारे मन में क्या विचार चलते हैं वो हमारे सामने आते हैं वो हमारे सामने रहते हैं. इसलिए इसकी आवश्यकता भी दिखाया शास्त्र में उपनिषद में दिखाया. कल हम इसका क्या हुआ ये दोनों चीज को पहले बोला भूत्वा
जिसने भोग कर लिया उसके बाद उसने क्या किया, खाना खाने के बाद पानी पी लिया। खाना खाना खाने में तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, पानी पीने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। सर्वान विशेषान, समस्त विशेषों को मतलब जैसा जागृत कल्पना वैसे स्वप्न कल्पना सारा को वो अपने अपने में पी गया। कहाँ गया, अपने में सब बीज अवस्थि में जाना जाता है। स्थूल मतलब समष्टि में भी यही, व्यष्टि में भी। फिर क्या बोलता है, स्वपिति, थर्ड लाइन में है। स्वपिति मतलब क्या होता है, स्वम अपितो भवति, मतलब स्वपिति, स्वम अपितो, अपने आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते। जीव जो इस समय अपने स्वरूप को प्राप्त करते, परंतु केवल इतना ही है, एक अविद्या की पॉलीपैक से घेरा। जिस प्रकार मान लीजिए एक मतलब बोतल, प्लास्टिक के बोतल में आपने गर्म पानी भर के और एक ठंडा पानी की टैंकी में आपने डाल दिया, ठीक है ना। क्या होता है वहाँ पे, वो बोतल की गर्माहट धीरे धीरे ठंडा पानी के साथ मिल करके बोतल के पानी ठंडा हो जाता है, परंतु तो जब आप उसको निकालेंगे पानी आपको वही मिलेगा, पानी आपको ही मिलेगा, केवल गर्माहट चाहिए। जागृत और स्वप्न में हम लोग जो विषय भोग करते हुए थक जाते, उस थकावट को निकालने के लिए हम एक अविद्या की पैकिंग में आप लोग को डाल करके फिर अपने स्वरूप में जा करके सुनते हैं। होता क्या वहाँ पे, होता यही है कि हमारी थकावट वहाँ पर मिल जाती है, गर्माहट चला जाता है, हम शीतल होकर के तरताजा होकर के उठते हैं, फिर नए काम में लगते हैं। श्रम अभी तो सदा स्वम्य तदा संपन्नो भवति, सबके साथ एक होकर के सुनते हैं, है ना। स्वम अभी तो आदमी पर इतना है बेचारा कि फिर उठ करके जो है वो पॉलीपैक रहने के कारण पॉलीपैक यदि फट गया तब अपने बैक ऊर्जा के साथ एक हो जाएगा, तब फिर दोबारा निकाल देंगे। यहाँ पे बोलते हैं मधुर भूम, है ना, वो उस समय क्या होता है कि वो मधु को भोग करता है। मधु शब्द अगर आप जानते हैं मधु विद्या में वेदांत में वो ब्रह्म को कहा गया है ना, व्यापक आता पूर्णतः सबसे आनंददायक होता है मधुर भोग के, मतलब अपनी पूर्णता अपनी व्यापकता के साथ एक हो गया। समझ में नहीं आता बेचारा कितना ही मात्र, देखिए हम अपनी चेतनता के द्वारा सारा सृष्टि को व्याप्त किया, मैं चेतन हूँ परिच्छिन्न हमको पता है कि नहीं है, मैं चेतन हूँ, परंतु ये पता नहीं है कि मैं व्यापक हूँ, मतलब ये यही चेतनता व्यापक है। मैं अपने अस्तित्व को समझता हूँ परंतु शरीर के साथ आराधना समझने के कारण अस्तित्व भी परिच्छिन्न अस्तित्व, परंतु उस परिच्छिन्न अस्तित्व की ही व्यापक है कि हमको समझ में नहीं आता। ये इतना ही कमी है अपनी अस्तित्व अपनी चेतना। और दूसरी बात क्या है, अनंत स्वरूप में मधुर कुछ भी वस्तु हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उठ करके बोलते हैं हम आनंद से सोए, कहाँ से आइए। यदि हमारे स्वरूप आनंद नहीं होता तो ये हमको कैसे हम उठ करके बोलते हैं कि हम आनंद से सोए थे, वहाँ पर हमारे पास कोई विषय नहीं, कोई इंद्रिय भी नहीं था, कोई काम नहीं कर रहा था, फिर भी हम उठ करके बोलते हैं कितना आनंद। यानी कि क्या होता है, इस स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, परंतु बेचारा हमको ये पता नहीं है ये आनंद व्यापक आनंद, ये आनंद व्यापक आनंद इतना ही पता नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है, उस समय देखिए जो हम अपने को अपने में समस्त अपना सृष्टि मनो सृष्टि जगत को अपने में लय करते हैं, हमें ये पता नहीं है पूरा सृष्टि इसलिए आगे बोलते हैं मधुर भूम, उस समय करते हैं मतलब मधुर वस्तु को भोग करते, आनंद को भोग करते हुए। अब आगे बोलते हैं माया भोजयन, ये है भोजयन मतलब भोग करवा, एक्चुअली कॉजुअल फॉर्म दिखाई दे रहा है भोग करवाते हुए। अब जो है यहाँ पे तो ऊपर तो बोलते हैं भुक्त्वा पीत्वा, स्वार्थ में भी नीच होता है, मतलब अपने आप ही अपने आप ही जीव रूप धारण करके इस प्रकार से भोग करते हैं। कैसे धारण करता है, माया, अपनी माया शक्ति से, अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जीव रूप धारण करके भोग करता रहता है। स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग, देखो तीनों अवस्था में
आप जागृत काल में स्थूल शरीर इंद्रिय के द्वारा स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, स्वप्न काल में आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म वस्तु को भोग करते हैं, वो आपके सामने दृश्य हो रहे हैं, और सुषुप्ति काल में आपका इंद्रिय नहीं रहने पर भी, स्थूल शरीर नहीं रहने पर भी, अपने ही अज्ञान के द्वारा अपना स्वरूप आनंद को भोग करते हैं। तीनों काल में दृष्टा में देखिए व्यभिचार नहीं है, तीनों काल में दृश्य भी व्यभिचार है, दृष्टा की व्यभिचार नहीं है, और ये जो दृश्य जो हमको दिखाई पड़ता है वही माया शक्ति का करिश्मा है। इसलिए बोलते हैं माया भोजया न, हम लोगों को मतलब अपने आप ही जो जो भुक्ता जो पीता उसी ने भोजन है, यहाँ पे उसे वही करना चाहिए, तो वही जो है जो इसके लिए वो ब्रह्म, जब ब्रह्म का न तो उसको ब्रह्म क्या करता है कि उस व्यापक तत्व सभी के अंदर सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके उसमें प्रवेश करके अपने आप ही खाता पीता सोता रहता है, मतलब लगता है कि किसी ने हम लोगों को करवा दिया भोजन न। फिर आया नया द्वितीय बहुवचन होगा हम आवाम वयम माम माम आवाम नो अस्मान न, है तुम लोगों ने ये यहाँ पे न विसर्ग उकार है। अब आया देखिए माया संख्या तुरीयम, हमारे भगवद गीता में सांख्य जो गाथा है हमने वहां पे सांख्य जो का क्या सांख्य का क्या परिभाषा दिया था, सम्मत रूपेण ख्यायते, मतलब सम्मत रूप से कथन किया जाता है। सांख्यवादियों ने इसका अर्थ संख्यायते इति सांख्य, जहाँ पे गिनाया जाता है उसको बोलते हैं संख्यायते इति सांख्य, और वेदांति बोलते हैं सम्मत रूपेण ख्यायते इति सांख्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों ही अर्थ यहाँ भी लग जाएगा, पहले क्या होता है वो जो ब्रह्म है जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उस प्रसिद्ध ब्रह्म के बारे में कुछ भी सम्मत रूप से कथन करने के लिए आपको किसकी सहारा चाहिए, माया की, माया के बिना उनके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, है कि नहीं। उस ब्रह्म के बारे में यदि आपको कोई भी शब्द प्रयोग करना है तो पहले आपको माया की सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई शब्द प्रयोग नहीं। इसलिए माया मतलब माया सम्मक रूपेण ख्यायते, माया सम्मक रूपेण ख्यायते इति माया संख्या, ठीक है। फिर आया क्या है तुरीयम, ये तुरीयम मतलब ये चतुर शब्द है, चतुर फोर, उसमें जो है छ प्रत्यय होते हैं, छ प्रत्यय होकर के तभी जैसी छ प्रत्यय चतुर शब्द का चकार का लोप हो जाता है, छ प्रत्यय का यो लगता है तो हो जाता है तुरीय, छ का जो है यो में खपच फटाफट के कुछ सूत्र आ गया पाने जी का तत्व प्रकरण में, तो वहां पे यो होता है छ का, ये बन जाता है तुरीय, मतलब चतुर्थ को पूर्ति करने, चार को पूर्ति करने के लिए, चार हो गया संख्या और चतुर्थ हो गया संख्येय, चार हो गया संख्या और चतुर्थ हो गया संख्येय, जिस चतुर्थ मतलब किसी व्यक्ति को कहना चाहते, ये जो तुरीय मतलब जो चार चौथा को पूर्ति करने के लिए जिसको कहा जा रहा है तुरीय, है ना, मतलब इसलिए हो गया माया। अब देखिए पहले आपने क्या बोला कि माया के द्वारा ही इसको संबद्ध रूप से कथन किया जाता है, परंतु इसको क्या कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद इसको कथन करते हैं एक, और दूसरी क्या है तुरीय शब्द मतलब क्या हो गया चतुर्थ को पूर्ति करने वाला, तो तीन अवस्था के बीच जो, परंतु ये चौथा नहीं है, क्यों, ये तीनों अवस्था के अंदर अनुशून है, मतलब तीनों अवस्था से विलक्षण है, इसीलिए इसको चतुर्थ को पूर्ति करने वाला ऐसा करके कहा गया। तीनों के अंदर जागृत में भी ये अनुशूत है, स्वप्न में भी अनुशूत है, सुषुप्ति में भी अनुशूत, अंदर प्रवेश किया हुआ है, ठीक है ना, परंतु इसके विलक्षणता के कारण मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति से संपूर्ण विलक्षण होने के कारण इसको इस विलक्षणता को समझे कि इसके चतुर्थ ऐसा कहा गया। आगे बोलेंगे ये जो है जिसको प्राप्त किया जाता है इसको, तो जो माया के द्वारा सम्मत रूप से कथन किया जाता है वो जो है चतुर्थ माने चार को पूर्ति चौथा को पूर्ति करने के लिए उसको कहा जाता है। देखिए तो चतुर्थ ये चतुर्थ है तो अपने व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखा सकते हो, फल क्या है एक चौथा भाव को पूर्ति करने के लिए इसको कहा जाता है चतुर्थ के भाव को पूर्ति करने के लिए। इस प्रकार का जो तत्व है वो तत्व संसार में सबसे श्रेष्ठ तत्व है, परम है, वो अमृत है, जन्म मृत्यु से भी है ना, वो ब्रह्म
मृत्यु नहीं है कि उसमें जन्म नहीं है। परम अमृतम अजम, क्योंकि सब ब्रह्मों का विशेषण है, ठीक है ना, वो संसार का श्रेष्ठ तत्व है, वो अमृतमय है, मतलब मृत्यु नहीं है क्योंकि उसमें जन्म नहीं है, अजम। इस प्रकार जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार। आप देखिए इस कथन के द्वारा क्या ये जो जन्म मृत्यु के बंधन छोड़े विषय, हम किसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं कि उस ब्रह्म के बारे में वर्णन करना चाहते हैं जिस ब्रह्म में यहाँ कथन किया गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा विषय, और इसका अधिकारी कौन होगा, जो भी जन्म मृत्यु को बंधन साथ छोड़ना चाहते हैं। तो विषय और प्रयोजन की कथन करने से, विषय और प्रयोजन की कथन करने से अधिकारी का अपने आप ही कथन हो जाता है, और इस ग्रंथ उसका प्रतिपादन करने वाला, इस विषय को मैं कथन करने वाला हूँ, इसके माध्यम से इस ग्रंथ की माध्यम से ग्रंथ हो गया संबंध। संबंध होता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक, और यदि आप विषय के साथ मतलब अथवा प्रयोजन के साथ साधक का मतलब अधिकारी का संबंध है साधक और साध्य, प्रयोजन और अधिकारी, प्रयोजन हो गया मुक्ति और अधिकारी हो गया साधक, तो ये साध्य हो गया मुक्ति। संबंध को दिखाने के लिए वास्तविक मुक्ति तो आपका स्वरूप होता है, परंतु अनुबंध के दृष्टि दिखाने के लिए भी शास्त्रीय मर जाते हैं। यहाँ पे ये विषय हो गया और इसके अंदर से इसका फल भी कथन करके स्थिति को प्राप्त करते हैं। प्रयोजन है जो व्यक्ति इस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना चाहते हैं वो उसको यहाँ से लाभ यहाँ रखो। हम सामान्य अर्थ करते हैं, आप देखते हैं कि आनंद गिरी जी क्या बोलते हैं, आनंद गिरी जी क्या बोलते हैं, ठीक फिर दूसरे में जाएंगे। आनंद गिरी जी का परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्तिमपेशते, परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्तिमपेशते, विष्णवे विष्णवे तस्मै विष्णवे विष्णवे तस्मै कृष्ण नाम हृते नमः कृष्ण नाम हृते नमः। देखिए क्या बोलते हैं, इस जिसको नमस्कार किया जाता है, नमस्कार के साथ कौन सा विभक्ति आता है, चतुर्थी, नमस्कार स्वाहा स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति होता है। तो यहाँ पे पहला जो शब्द पद है वो एक समास पद है, परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्त, ये मतलब वाला जो परिपूर्ण है अर्थात परिपूर्ण मानता है हर जगह पे जो सत्य रूप में विद्यमान है, फिर परिज्ञान सबके अंदर अंतर्गामी मतलब चित्त स्वरूप सत स्वरूप चित्त स्वरूप, और फिर परित्रिप्ति मतलब आनंद, ये तीन जो है सब चित आनंद कितना सुंदर शब्द है। इस प्रकार वाला मतलब इस प्रकार जो आप तो काम पुरुष है वो आप हम भगवान की श्री कृष्ण को लेकर के बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने आप बोलेंगे गौरवाचार्य जो द्रापर की अंत में और कली के शुरू में वो नारायण बद्रीनाथ में बैठ के लंबा समय तक और ये बद्रीनाथ की कृपा से उनकी अजाद बात आपने अपने से भूल अब उसके बाद लंबा समय तक बैठे हैं तो फिर जो है किसने प्रेरणा दे के लिए इसको लिखते हैं, क्योंकि जब आपने निश्चय कर लिया कि कुछ है नहीं सृष्टि है या फिर किसके लिए लिखोगे, किसके लिए जब सृष्टि हुई नहीं, परंतु फिर भगवान ने प्रेरणा दी, नहीं नहीं जीव की का उद्धार करने के लिए आपको ये जो है भगवान भाष्कर अंतिम में बोलेंगे। तो देखिए एक समास पद है मते मतलब चतुर्थी वचन चतुर्थी है मत मत प्रत्यय है मत मतलब श्रीमत श्रीमती श्रीमत चतुर्थी वचन क्या है श्रीमती, ठीक है ना। इसी प्रकार भगवती इसी प्रकार परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सति है ना, जो इस प्रकार जो विद्यमान तत्व है इस सब का चतुर्थी वचन है पार्टिसिपेट रास्ता तो बताते हैं विद्यमान तत्व है सच्ची परिपूर्ण है जो पूर्ण ज्ञान संपन्न है जो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है परंतु आप तो काम है इस प्रकार के तत्व है कौन है वो विष्णु, विष्णु ही धातु से रूप प्रत्यय करके बनता है विष्णु, उसका चतुर्थी एक वचन विष्णुवे मतलब जो व्यापक पूर्ण है विष्णुवे जी जी जय धातु है उसके साथ जय विष्णु प्रत्यय करके बनता है मतलब विजेता मतलब जय करना ही शील है जिसका विष्णुवे विष्णु विष्णु जिष्णु जिसको एक विष्णु मतलब आपको व्यापक बताता तो जी जय करना स्वभाव है जिस मतलब जिसने पराजित नहीं हुआ इस
जिष्णु भी चतुर्थी एक वचन का प्रातिपदिक है जिष्णु और विष्णु विष्णु जिष्णु विष्णु मतलब व्यापक और जिष्णु मतलब हो गया आपका जय करना है शीर्ष भाग है तस्मै चतुर्थी एक वचन तत्व को मतलब प्रणाम है ये उसको वो देखिए वो जो तत्व है वो वही तत्व कृष्ण नाम को धारण किए हुए क्यों इसको कृष्ण नाम बोला राम क्योंकि भगवान भगवान विष्णु का स्थान है ना बद्रीनाथ इसलिए बोलते हैं कृष्ण नाम भेदे वही जो तत्व जो कृष्ण नाम को धारण करके घूमते हैं उसके प्रति कृष्ण नाम भेदे कृष्ण नाम को भरण पोषण करने वाला देखिए नाम रूप मिथ्या है परंतु उस नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मतलब अपने सिद्धांतों से हटा नहीं परंतु भगवान की मर्यादा को भी खुलना नहीं सिद्धांत से नहीं हटा परंतु देखिए ईश्वर की मर्यादा को कैसे कृष्ण नाम भृते नम कृष्ण नाम को भरण पोषण करता कृष्ण नाम धरी जो पिंड है उस पिंड को भरण पोषण करने वाला जो तत्व है वो क्या सच्ची काम है वो व्यापक है जय करके उसका स्वभाव है ऐसे बोलते हैं कृष्ण नाम भृते नम इसलिए ये जो है ना जिष्णवे यदि वही विष्णु व्यापक तत्व हमारे अंदर बैठा हुआ है तो जय करना तो सभा नमन का भी है क्या जय करना है हमारे अंदर शत्रु की प्रति हमारी मुक्ति के लिए प्रतिबंध बैठा हुआ है ये जय करना तो हमारा स्वभाव है उसके ऊपर विजय प्राप्त तो इसलिए तो अर्जुन को बार बार बोलते हैं भगवान की परम तप परम तप परम तप ऐसा कई बार संपत्ति तो ये हो गया पहला श्लोक का तो ठीक है परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मतिशते विष्णवे विष्णवे तस्मै कृष्ण नाम भृते नमः पहले इसको नमस्कार किया पहले निर्गुण निराकार निर्विशेष और वही जब सगुण साकार निकलने जब भगवान उसको हम ईश्वर की नमस्कार करते हैं अब इस चरण के बाद कौन आएगा यस्य देवी पराभक्ति जत्रा देवी तथा गुरु अब गुरु देखिए यहाँ पे बोलते हैं शुद्धानंद पदम भोज शुद्धानंद पदम भोज दंदम अदंदतास्पदम लाभ हानि शुभ दुख जन्म मृत्यु जय पराजय इसको बोलते हैं दंड
ये दंड जहां पे नहीं है अदंड आश्वदम, ठीक है ना, तो अदंड का आश्रय है कौन है, वो चरण जुगल, वो चरण जुगल जो गुरु जी का चरण कमल जो किसी मतलब दंड किसी प्रकार के घात प्रतिघात से जुड़ा हुआ नहीं, उससे उससे ऊपर है। नमस्कुर्वे क्रीधाम फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आत्मनिपदि एट करने वचन उभयपदि धातु है। पूर्वे अहम पूर्वे आत्मनिपद में प्रयोग किया क्यों, ये उभयपदि धातु है प्रयोग करते हैं क्योंकि मुझे नहीं नमस्कार पुरस्कार तुम अपने सामने करने के लिए अपने सामने में लाने के लिए क्या तत्व ज्ञान महोदय मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ क्यों करता हूँ कि तत्व ज्ञान का महान तत्व ज्ञान की उदय मेरे सामने आ जाए पुरस्कार तुम ये तत्व ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट हो जाए सामने कोई वस्तु है जैसा स्पष्ट अनुभव आता है इसी प्रकार ये तत्व ज्ञान स्वरूप तत्व ज्ञान स्पष्ट हो जाए इसलिए मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। कौन सा गुरु जी का चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, इस कारण चमन का विशेषता क्या है जो दंड से रहित है हर प्रकार की दंड से मुक्त है, ठीक है। शुद्धानंद पदम भोज दंडम ये एक पद हो गया है ना, शुद्धानंद के चरण कमल जुगल, उस चरण कमल जुगल में मैं नमस्कार मैं नमस्कार करता हूँ, चरण चमन का विशेषण क्या है अदंड ताश्वतम मतलब जो समस्त दंड से रहित है, और क्यों करता हूँ इसके हेतु दे रहा है वहाँ पे कि तत्त्व ज्ञान महोदय पुरस्कार तुम तत्त्व ज्ञान का महान उदय हमारे सामने स्पष्ट रूप में हो जाए इसके लिए मैं गुरु चरण में प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान की प्रणाम गुरु की प्रणाम। इसके बाद कौन आएगा, एक और भगवाचार्य उसके बाद शंकराचार्य, ठीक है ना, देखिए कितना सिस्टमेटिक है, यही देखिए कितना मर्यादा को रख करके बात करते हैं, ईश्वर की मर्यादा को कभी नहीं खुद और फिर जिस परंपरा से हमारे पास पहुंचे सभी परंपरा को बिल्कुल मतलब मर्यादा के साथ बात करते हैं। गौरपादी भाष्यम ही गौरपादी भाष्यम ही प्रसन्नमिव लक्ष्यते प्रसन्नमिव लक्ष्यते तदर्थोति गंभीरम तदर्थोति गंभीरम व्याकरिष्येष्वशक्तितः गौडपादीय भाष्यं हि प्रसन्नमिव लक्ष्यते तदर्थतोऽति गंभीरं व्याकरिष्येष्वशक्तितः। गौडपादाचार्य को स्मरण करने मते उनके कारण भक्त भी प्रणाम करते हैं, ये हो गया। और गौडपादाचार्य के द्वारा लिखा हुआ जो कारिका है उस कारिका के ऊपर भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य ऐसे होते हैं गौरपादीय भाष्य गौरपाद के द्वारा लिखा हुआ जो कारिका उसका संबंध रखना उसके ऊपर जो लिखा गया जो भाष्य उस भाष्य क्या होता है प्रसन्न विव लक्ष्यते वो अत्यंत तो मन को आनंद देने वाला ऐसा लक्षित होता है, लक्ष्यते में पैसिव है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गौरपादीय भाष्य नॉमिनेटिव गौरपादीय भाष्यम ही प्रसन्न भी नॉमिनेटिव सिंगुलर है प्रथम एक बदल है क्यों लक्ष्यते पैसिव प्रयोग लक्षित होता है। गौरपादाचार्य के द्वारा लिखा हुआ कारिका के ऊपर भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य लिखा गया है अत्यंत मन को प्रसन्न करने प्रसन्न की वह लक्ष्य है प्रसन्न जैसे लक्षित है परंतु प्रसन्न होने पर भी क्या होगा तो बहुत गंभीर है इसका बहुत गहरा अर्थ है आपके पहले भी इसके ऊपर किया गया है मंद बुद्धि
यद्यपि मेरे पहले भी विद्वान लोग इसके ऊपर व्याख्यान किया कर प्रयोग कर रहे हैं, मतलब शुरू से इसके ऊपर व्याख्यान लोगों को आकर्षण करते हैं। मान लीजिए किसी ग्रंथ के ऊपर कोई व्यक्ति व्याख्यान किया, यानी कि जिन लोगों ने इसके ऊपर व्याख्यान किया, मान लोगों का कहते केवल इतना ही नहीं, विदेश में वैज्ञानिक लोग भी अजामवाद कैसे होना संभव है इसके लोग करके विज्ञान सिद्ध करते हैं। होलोग्राफी, ये होलोग्राफी के ऊपर इसको इसको देख करके होलोग्राफी कौन सा है, स्पेस में भी थ्री डायमेंशनल फिगर दिख रही है। इसलिए हम कहते हैं पूर्वी यद्यपि विद्वांशु, इसके पहले भी यद्यपि विद्वान लोग, विद्वांशु प्रथम बहुवचन है, विद्वान विद्वांशु विद्वांश व्याख्यानम यह चक्रे, इसके व्याख्यान उन लोगों ने किया था, तथापि फिर भी मंद बुद्धिना उपकार आए, सामान्य बुद्धि मंद बुद्धि रूपी से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वेदांत में प्रवेश के सामान्य अधिकारी भी इसको समझ पाए उसके जन्म प्रयास किया जाए। तथापि मंद बुद्धि नाम उपकाराय जत्यते, फिर हमारे हमसे पहले भी लिखे हैं लोग, ऐसे बात नहीं है जो मैं पहले लिख रहा हूँ। हाँ यही हमने बेटी का कहा, गौरपादाचार्यस्य नारायण प्रसादत प्रतिपन्ना मांडुको उपनिषद अर्थ आविष्करण परानपि श्लोक श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्याशु भगवान भाष्यकार चिकीर्षितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये परदेवता तत्र अनुस्मरण पूर्वकम् तन्नमस्कार रूपं मंगलाचारणं शिष्टाचर प्रमाणक मुखतः समाचरण अर्थात अपेक्षितं अभिधेयादि अनुबंधम अपि सूचयति। ठीक है, यहाँ पे आके प्रतिकार प्रतिदानी भाष्यकार के अभिप्राय को लिख रहे हैं। श्री देखिए श्री गौरपादाचार्य जो भगवान विष्णु के नारायण विभूति नारायण नारायण के अपने आप ही बोले देते हैं कि नारायण की कृपा से प्रसन्नता से प्रतिपन्न जो उसके अंदर जो अवगत और प्रतिपन्न होता जो बोध उत्पन्न हुआ था उससे मांडुको उपनिषद अर्थ आविष्करण परांग मांडुको उपनिषद के अवलंबन क्यों लिया, अजातवाद को सिद्ध करने के लिए और कोई उपनिषद का क्यों नहीं, मांडुको उपनिषद क्यों लिया, क्योंकि सबसे छोटा उपनिषद और इसमें इस अजातवाद को पुष्ट करने के लिए शब्द बिल्कुल स्पष्ट मिल जाता है और एक इसमें ना कोई ईशावास्य उपनिषद भी छोटा है, उसमें 18 मंत्र है, 32 से 12 मंत्र उपासना प्रकरण है, यहाँ पे कोई उपासना यहाँ पे बोलते हैं, इसीलिए उनको ही अवलंबन किया, अजातवाद तो नारायण की कृपा से सिद्ध हुआ परंतु मांडुक को पुरुषत्व का अवलंबन क्यों किया, बाकी पुरुषत्व का अवलंबन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे केवल मात्र ये ज्ञान की चर्चा है, वहाँ यहाँ पे कर्म अथवा उपासना के बारे में तो देखते हैं। इसलिए आप बोलते हैं प्रतिपन्न मांडुक को उपनिषद अर्थ मांडुक जो विषय है उसको आविष्कार कराने की उसको उसके अंदर छुपा हुआ अर्थ को स्पष्ट करते हुए भी श्लोकान आचार्य प्रणीतान ये जो उनके द्वारा कारिका जो श्लोक है उपनिषद अलग भाग है श्लोक इसका मतलब कि कारिका जो श्लोक हो जो श्लोकान आचार्य प्रणीतान मतलब बहुत बड़ा चार्य के द्वारा प्रणीत जो श्लोक है उन श्लोकों को द्वितीय बहुवचन व्याचिख्याशु व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले है ना, व्याचिख्याशु मतलब व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले कौन है वो भगवान भाष्यकार, इसलिए बोलते हैं भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य क्या करना चाहते हैं अभी यहाँ पे गौरपादाचार्य कारिकाओं की व्याख्यान करने की इच्छा रखते, इसलिए बोलते हैं कारिकाओं की व्याख्या करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार
चिकित्सितस्य भाष्यस्य कर्तुमिच्छा चिकित्सा और तस्य चिकित्सितस्य क्या करना चाहते हैं भाष्य जिस भाष्य ग्रंथ को रचना करना चाहते हैं उस भाष्य ग्रंथ का जिस भाष्य ग्रंथ को रचना करना चाहते हैं चिकित्सितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्तादि सिद्धये निर्विघ्न परिसमाप्ति हो ये दूसरे के लिए हितकारक हो मतलब मनुष्य में कल्याण की सब भावना को रख करके ही उसी ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाए शिष्टाचार भी देखिए भाष्यकार भी मंगलाचरण करते हैं आनंद भी मंगलाचरण करते हैं शिष्टाचार भी इसलिए होते हैं यहाँ पे भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्ति आदि सिद्धये आदि पद से क्या लेना निर्विघ्न परिसमाप्ति ग्रंथ का प्रचार और ये लोग के हित में हो ये सारा चीज का आदि पद है उसकी सिद्धि करने के लिए पर देवता मंगलाचरण मतलब ये नहीं कि आपको नमस्कार कर वस्तु तत्व प्रतिपादन एक नमस्कारात्मक होता है एक वस्तु तत्व प्रतिपादन होता है और एक जो है मतलब शिष्टाचार दिखाने के लिए होता है मंगलाचरण पे जो यहां होता है तो यहां पे पूर्ण मजा क्या होता है वो आपका वस्तु तत्व प्रतिपादन पर है यहां भी ये मतलब गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए भी क्या किया कि वस्तु तत्व को प्रतिपादन कर दिया इसलिए हम बोलते हैं कि पर देवता तत्व अनुस्मरण पूर्वक ये जो पर देवता में जो तत्व है पर देवता में जो तत्व है तत्व मतलब उसमें रहने वाला जो भाव उसमें रहने वाले जो भाव उसको जो अनुस्मरण पूर्वक उसको बार बार स्मरण करते हुए तब नमस्कार रूप आपके क्लास में क्या बोला ब्रह्म जब तक नतमस्मि इस प्रकार जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उसको मैं प्रणाम करता हूँ ये स्मरण करना ही सबसे अच्छा प्रणाम है तो भाई अभिन्नता की चेतना है फिर भी नमस्कार में आगे बोलेंगे यहाँ से उस प्रकार उसका चरण मतलब स्मरण करना अभिन्नता की चिंतन करना ही नमस्कार है नमस्कार रूप मंगलाचरण मतलब मंगल का आचरण करना मंगल मतलब मंगल का पाठ करना ये क्या है शिष्टाचार प्रमाण ये शिष्टाचार का प्रमाण करते हैं यदि आप कोई भी शुभ कर्म करना चाहते हैं पहले अपने इष्ट देवता को गुरु को अपने गुरु को स्मरण करें अभिन्न रूप से चिंतन शिष्टाचार फिर देखिए समाचरण अपने आप सम्यक रूप से आचरण करते हुए अब मंगलाचरण तो किया शिष्टाचार ऐसा ही है करते हुए क्या दिखाया अर्थात इसी के अंदर से क्या दिखाया अपेक्षित मतलब किसी ग्रंथ को शुरू करने के लिए अपेक्षा रखता है क्या रखता है अनुबंध चतुष्टय किसी ग्रंथ को शुरू करने के लिए अपेक्षा रखता है क्या आपको दिखाना पड़ेगा अनुबंध चतुष्टय शुरू होता है अपेक्षित अभिधेय आदि है ना क्या अभिधेय विषय अभिगमन का विषय प्रयोजन संबंध है ना और आपका अधिकारी अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध शुरू होता है अभिधेय आदि अनुबंधम अपि अनुबंध चतुष्टय को भी सूचयति सूचित करते हैं भगवान भाष्यकार तब आया प्रज्ञानं सुप्रदान इसका अर्थ तो हमने एक बार बोल दिया हम आगे नहीं बोलेंगे आनंद के लिए क्या बोलते हैं देखते हैं तत्र अच्छा इसमें देखिए एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ती है हाँ आविष्कर परान अपि अपि शब्द उपनिषदं समुच्चिनोति भिन्न क्रमेण श्लोकान इत्यादो अग्र संबद्धमान भाष्यकार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मानव को कारिका में जो विषय है उसको स्पष्ट करने के लिए अभी शब्द क्यों अभी क्या जो उपनिषद की बात है उसको भी स्पष्ट करेंगे उपनिषद की मंत्र को ऊपर भाष्य लिखते हुए कारिका के का अभी अभिप्राय को भी स्पष्ट करेंगे भगवान लेकिन इसलिए हमें बोलते हैं कि अभिशब्द यहाँ पे जो अभिशब्द दिया हुआ है वो उपनिषद और समुच्चित वो समुच्चय करते हैं मतलब इस प्रकार मांडव को कारिका के श्लोक की अर्थ को भी भगवान भाष्यकार बोलेंगे इस प्रकार उपनिषद मंत्र का भी अर्थ भगवान भाष्यकार बोलेंगे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे
शिक्षा वच्चिनति भिन्न क्रमेण श्लोकान इति अत अग्रे संबंधम अन्य पे जो है ना कि श्लोकान है ना यहां पे इसका पैदा ये जो मांडू का पहले उपनिषद का और फिर जो है आपका श्लोक मतलब खाली का श्लोक वहां पे स्पष्ट करेंगे इत्यत अग्रे आगे ऐसा संबंध करता है संबंध करते हुए पहले आपका उपनिषद मार्ग फिर मांडू को खाली का जो श्लोक आया उस श्लोक का व्याख्या करते हैं जिसको का संबंध करते भगवान भास्कर व्याख्या करते हैं अब जो है ये जो मंगलाचरण किया है दो मंगलाचरण के श्लोक है मैंने कल बताया था कि एक अध्यारोप को दिया है और दूसरा एक अपवाद एक विधि बुक से है एक निषेध है एक विधि बुक से एक निषेध विधि बुक तो अध्यारोप तो जो लेके बोलते हैं तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनम इति प्रक्रिया प्रदर्शयति ठीक है ना देखिए यहां भी अर्थ शुरू करना प्रज्ञानं सुबल अंतु ब्रह्मजत्तं न तोस्ति प्रतिग्रहण है ना आप श्लोक को अर्थ करने के लिए जत प्रसिद्धि का तो होता है जो ब्रह्म है प्रसिद्ध ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूं यह बोलते हैं तत्र मतलब इस प्रकार व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार इस यहां पे मतलब ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय दिखाने के उसमें विधि मुखेन दो नंबर टिप्पणी में विधि मुखेन मतलब भाव रूप धर्म पुरस्कारेन जो भावात्मक धर्म है जागृत स्वप्न जो आपको दिखाई पड़ता है ये जो है एक उपनिषद की बोली अब तो हमारे गुरु परंपरा की एक और भी एक बहुत अच्छा शैली जो चीज हम समझते हैं पहले उसी को अवलंबन लेकर ही आगे बढ़ते हैं अचानक कुछ नया चीज आरोप नहीं करते जहां तक श्री जब नारद ऋषि सनत कुमार के पास पहुंचे सनत कुमार सीधा बोलना शुरू किए तुम क्या जानते हो पूरा उनसे सुना फिर उसके बाद बोलते ये जितना तुम जानते हो ना एक बार मंत्र शब्द मंत्र ठीक है ना इसी प्रकार से जो भी हम इसी भगवत गीता में देखिए और जो जो बोलना था पूरा प्रथमाध्याय से लेकर के द्वितीय अध्याय के एकादश श्लोक तो भगवान पूरा सुनते रहे कुछ नहीं उससे स्पष्ट पता लगता है कि इसके अंदर क्या का को समझा कहां नहीं समझा केवल इतना जगह पर ठीक है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तत्र विधि मुखे न ये इसको एक भाव रूप धर्म पुरस्कारे न भाव रूप धर्म तो जो हमको समझ में आता है उसको सबसे पहले क्या समझ में आता है हम एक जीव है मैं एक जीव हूँ और मैं क्या हूँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति को अंदर रोज अवगमन करता ठीक है उसी का अवलंबन करके जो भावना को समझ जो तुम समझते हो उसको अवलंबन करके ही आप उनको समझाए कितना सरल हो जाता है जहां तक तुम समझा वो हम दिखाएंगे देखो यहाँ पे यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कौन व्यभिचार कर रहा है और कौन आप व्यभिचार बस ओके हमको समझ इसी में इसको अवलंबन यह तत्र विधि मुखेन मतलब भाव रूप धर्म पुरस्कारेण भाव रूप धर्म को सामने रखते हुए वस्तु प्रतिपादनम विधि मुखम उस समय जो वस्तु तत्व को प्रतिपादन करते इसको बोलते हैं विधि ठीक है ना विधान करते हैं अभाव रूप धर्म पुरस्कारेण तद निषेध मुख उच्चते तो अभाव मतलब आप उसको मित्र कर रहे हो अभाव निषेध कर रहे हो तो उसको निषेध मुख बोलते हैं निषेध को मुख्यता देकर के निषेध मुख और विधि को मुख्यता प्राधान्य देकर के जो कहा जाता है उसको कहते हैं विधि विधि मुख का निषेध विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन जिस तत्व को हम समझना चाहते हैं उसको प्रतिपादन करने की प्रक्रिया प्रदर्शयति इस प्रक्रिया के यहाँ पे दिखाई देगी अब कौन सा प्रक्रिया है अध्यारोप प्रक्रिया की जागरण ठीक है ना यहाँ पे इसमें अध्यारोप प्रक्रिया है अगले में अपवाद कार्यकारण प्रक्रिया अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया ऐसा हमारी वेदांतिक सिद्धांत है जागृत स्वप्न सुषुप्ति पंचकोटि विवेक इसके माध्यम से समझाया जाता है इसलिए बोलते हैं प्रक्रिया प्रदर्शयति ब्रह्मजत्तन न तोस्मि जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ प्रतिज्ञा आदि अस्मत् अर्थस् तद् ऐक्यस्मरण रूपं नमनं सूचयता ब्रह्मण तदर्थस्य प्रत्यगत्तं सूचितम् इति तत्त्वमर्थयोरैक्यं विषय ध्वनितः जो अस्मद् उस्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर विषय विषय उसकी स्मरण मात्र ही मंगलाचरण होता है
स्मरण ही नमस्कार है, एकता की स्मरण ही नमस्कार है। इसलिए बोलते हैं अस्मद अर्थस्य तत्र स्मरण रूपम नमनम सूचयता, इसको सूचित करने के माध्यम से ब्रह्मनम तद अर्थस्य है ना, वो जो ब्रह्म जिसको महाभाग में तत्पद के द्वारा कहा है ब्रह्म दत्ता न तो अस्मि। देखिए अस्मि में कर्ता कौन है, अस्मि में कर्ता कौन होता है, मैं अस्मि ब्रह्म दत्ता न तो सुता, उसके अस्मि के कर्ता किसका स्मरण हुआ, मैं का स्मरण। आप किसको स्मरण कर रहे हो, ब्रह्म। तो तत्पद तत् और तम को एकत्व ही नमस्कार, अस्मद् अर्थस्य तद् ऐक्य स्मरण रूपं नमनं सूचयता ब्रह्मणं तद् अर्थस्य यद् ब्रह्म तन्न तो अस्मि इति ब्रह्म का तद् अर्थ जिसको तत्पद के द्वारा अनुसूति महाभारत में कहा गया है प्रत्यक्तं सूचितं, वो हमारा स्वरूप भूत है, वो हमारा स्वरूप भूत है इति तत्तम अर्थयो। इस प्रकार से तत् और तम जो एक अभिन्न पद है, यहाँ पे ऐक्य समान अधिकार से तत्तम अर्थ ऐक्य विषयो ध्वनितः, इस एकत्व प्रतिपादन ही इस उपनिषद का विषय, समस्त उपनिषद का विषय एक ही है, जीव ब्रह्म की एकत्व प्रतिपादन ही समस्त उपनिषद का प्रतिपादन विषय, समस्त उपनिषद का प्रतिपादन एक ही है। विषय ध्वनि तो ध्वनि होता है, चार नंबर टिप्पणी में देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, सूचयता एतेन नति तत् प्रवण तत् अस्मि इति अन्य अभिप्राय झुक जाते हैं तो क्या हो गया आपके अंदर परिच्छिन्नता प्रवण तद अस्मि इति अन्य मतलब वही मैं हूँ, मतलब आप अपने को इसमें मिला दिया, आप अपने को इसमें मिला दिया, इसलिए हम बोलते हैं तद अस्मि इति अन्वय अभिप्रेम, ऐसा अन्वय को अभिप्रेय करते ध्वनय ये ध्वनित होता है एकत्व को होता है इति अवधेयम, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। फिर जो है ब्रह्म जत्न मतलब ब्रह्म को बोला अब जत ब्रह्म जत शब्द प्रसिद्ध अर्थ अवधोतकत्व, हर जगह पे हमने कई बार बोला है जत शब्द जहाँ आएगा वो प्रसिद्ध जो जो ऐसा है जो ऐसा तो प्रसिद्धि है, इसके बोलते हैं प्रसिद्धि का अवधोतक होता है जत और तत्पद पूर्व वस्तु का अवधोतक होता है, इसलिए बोलते हैं कि जत शब्द प्रसिद्ध अर्थ अवधोतकत्व। फिर आगे कहते हैं हाँ वेदांत तो प्रसिद्धम जत ब्रह्म तन्न तो अस्मि है ना, तो ये प्रसिद्धि कहाँ पे है, आपने क्या बोला ये प्रसिद्ध है तो प्रसिद्धि कहाँ पे है, वेदांत तो नहीं, ब्रह्म की प्रसिद्धि वेदांत तो नहीं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जत शब्द प्रसिद्ध अर्थ अबद्ध हो तत्वात् वेदांत तो प्रसिद्धम, तो भैया फिर द और ब के नीचे ब एक पूरा बिंदी हो गया, पूरा नहीं है ना एक बिंदी दिखा, तो वेदांत प्रसिद्धम जत ब्रह्म, वेदांत में प्रसिद्ध है जो ब्रह्म तत् न तो अस्मि उनके प्रति मैं झुका हुआ हूँ इति संबंधे ने, इस प्रकार संबंध के फलस्वरूप मंगलाचरण में भी सूक्ता क्रियते है ना, ये इसका मतलब ये एकत्व की चिंतन ही सबसे श्रेष्ठ मंगलाचरण, इसे बोलते हैं मंगल सूक्ति पांच नंबर के मतलब शब्दतः अपने शब्दों के द्वारा भगवान शंकराचार्य जो मंगलाचरण करते हैं अपने शब्द प्रयोग के माध्यम सूक्ता क्रियते मंगलाचरण में भी सूक्ति सूक्ति के द्वारा नहीं यहाँ पे रहित होने के कारण सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित होने के कारण एव क्या हो गया जनन मरण कारण अभाव है ना, उसके जन्म मृत्यु का भी कारण नहीं, जन्म मृत्यु का कारण क्यों होता है जब किसके साथ संयोग होता है तभी जन्म मृत्यु का कारण, शुक्रता में कोई जन्म नहीं मृत्यु नहीं है, इसलिए जन कारण अभाव अम
अमृतम अजम इति उत्तम अमृत मतलब ब्रह्म जब तक न तो परम अमृत मतलब पर उसका लक्षण कर दिया है ना सृष्टि के परम अमृत भी अजम के ये ऐसा कहा गया कारण अभावात अमृतम अजम इति उत्तम ऐसा कहा गया जनन मरण प्रबंधस्य संसारत्वात् तन्निषेधेन स्वतो असंसारित्वं दर्शयता संसार अनर्थ निवृत्ति रिह प्रयोजनम इति द्योतयति यानी इति द्योतितम द्योतितम ठीक है ना प्रकाशितम ये प्रकाशितम जन्म मरण प्रबंधस्य इदो जन्म मृत्यु का चक्र प्रबंध मतलब चक्र इसी को शास्त्रीय भाषा में भवरोग बोलते हैं इसके शास्त्रीय भाषा में भवरोग बोलते हैं और भगवान शंकर जब प्रश्नोत्तर में अपने आप बोलते हैं वो दीर्घ रोग सबसे लंबा तम दीर्घतम रोग ये साधो इसमें तो मतलब पीड़ित हो उस रोग को जानते हो कि नहीं जानते वो दीर्घ रोग अपने आप उत्तर देते हो भव रोग वो दीर्घ रोग भव एव साधो ठीक है ठीक है रोग तो पहचान लिया आप इसका दवाई क्या है इस रोग को मिटाने के लिए दवाई क्या है वो दीर्घ रोग भव एव साधो किम औषधम तस्य भवरोग से मिटाने के लिए भवरोग की दवाई क्या है विचार इसका शास्त्र क्या है विचार चाहिए तो शुद्ध विचार चाहिए क्या विचार करेंगे आज आपने बोलते हैं अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार वित्तात शिव आत्मतंत्रम बस यही आपका चिंता है कि अहर्निशम किम परिचिंत क्या विचार करना है संसार वित्तात शिव क्या बोलते हैं अमृतम अजम अब तक हमें मृत्यु भी नहीं है और जन्म भी नहीं है इसको निषेध करने से क्या निषेध कर दिया संसार का निषेध इसलिए बोलते हैं कि जनन मरण प्रबंधस्य संसारत्वात् तन्निषेधेन हम उस जन्म मृत्यु के निषेध के माध्यम से स्वत असंसारित ब्रह्म अपने आप स्वरूपत असंसारी है ऐसा हमने कहा ना दर्शयता इस प्रकार दिखलाने के द्वारा माध्यम बना करके संसार अनर्थ निवृत्ति रिह प्रयोजनम इति द्योतितम है ना इसलिए इसका प्रयोजन क्या है ये जो संसार जन्म मृत्यु चक्र नादि का सार है इसको छुड़ाना ही उपाय जन्म कभी हुआ ही नहीं ये तुम्हारी कल्पना है अभी बोलेंगे इसलिए बोलते हैं कि संसार अनर्थ निवृत्ति संसार के रूप में जो अनर्थ है ना संसार जन्म लेना ही सबसे बड़ा शरीर के साथ रहना ही सबसे बड़ा अनर्थ है ना इसलिए बोलते हैं अस्पताल में होता ही है अनर्थ निवृत्ति ये इसका निवृत्ति यह मतलब इस ग्रंथ में मतलब वेदांत में यही प्रयोजन है ठीक है ना यही इसका फल है प्रयोजन है इति द्योतितम तो क्या हो जाएगा देखिए विषय और प्रयोजन कह दिया विषय और प्रयोजन को कथन करने से क्या लाभ होता है जो व्यक्ति इस विषय को प्राप्त तो इस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं जो व्यक्ति इस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं वो क्या करेगा कि इस विषय को ग्रहण करेगा जो व्यक्ति इस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं वो इस विषय को ग्रहण करेगा तो हो गया अधिकार मतलब जो व्यक्ति संसार संसार रूपी जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को छुड़ाना चाहते हैं वो हो गया इसके लिए अधिकार उसका प्रयोजन है और उसके लिए ये विषय एकत्व चिंतन हो गया उसका विषय एकत्व की बोध हो गया उसका विषय और ये संबंध क्या है इस ग्रंथ में उसके एकत्व को प्रतिपादन करके दिखाएगा इसलिए विषय के साथ ग्रंथ का संबंध हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये दोनों यहाँ पे नहीं कहा ये दोनों को दिखाने से चार का कथन हो जाता है यदि अद्वितीय सत्य असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम् तर्हि कथम् अवस्थात्रय विशिष्टा जीवा
भोक्तारम् अनुभूयन्ते भूतैता च ईश्वरो श्रूयते भूतस्य विषयतम् पृथक् उपलक्ष्यते। देखिए अब जो हमारे मन की शंका है वो आप सामने ला रहे हैं। यदि आप यही कहते हो कि ब्रह्म ही अकेला है और कुछ है ही नहीं संसार में, यही तुम्हारा अभिप्राय है, तो हमें ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है कि एक हो गया आपका यदि अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्म भेद रहित ब्रह्म यदि स्वतो अपने आप असंसारी है, वेदांत प्रमाण से यही आपको पता लगता है, तभी प्रथम अवस्था त्रय विशिष्ट जीव है ना। तो अभी हमें क्या देखिए अवस्था त्रय विशिष्ट जीव यहाँ पे क्यों पतन की, क्यों पतन किया? एक दूसरा क्या है जगदीश्वर भोक्ता जीव भोक्तारम अनुभूयते जीव यहाँ भोक्ता इस प्रकार अनुभव किया जाता है Thank you.